तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली ट्राई सिटी में भी भारत बंद का सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल सुबह 6 बजे से यहाँ पर किसान हाईवे के ऊपर डेरा डालकर बैठे थे, उसके बाद लगातार अब तक यहाँ पर किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आज एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ किसानों की भीड़ यहाँ पर जमा हुई है, क्योंकि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार का जो भारत बंद का ऐलान है वो बहुत बड़ा असरदार होगा और ठीक वो सही दिशा में जा भी रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में जो किसान है वो सड़कों पर उतरा। हम आपको तस्वीरें लगभग डबवाली के हर कोने कोने से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सबसे पहले तस्वीर आपको नेशनल हाईवे 9 सिरसा हाईवे की दिखा रहे हैं। सड़क बिल्कुल खाली है और सुबह से ही किसानों की तरफ से यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बैरिकेटिंग के माध्यम से हाईवे को पूर्ण तरीके से जाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार तमाम जो किसान संगठन है वो एक मंच पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके से किसानों ने अपने तरीके से जोन बनाए हों, बल्कि साझे तौर पर किसानों ने डिवाइड किया इस बार अपने अपने जोन को और उसके बाद लगातार हाईवे को जाम किया है। दूसरी बड़ी बात है, किसानों की तरफ से पहले से ही ये ऐलान किया गया था कि भारत बंद को कामयाब करें, जिसका आज सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि तमाम दुकानें बाजार बंद है और हर एक व्यक्ति किसान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कड़े इंतजाम किए गए यहां पर और युवा से लेकर बुजुर्ग यहां पर बड़ी संख्या में डटे हैं और ये यहां पर पक्का मोर्चा जो सुबह से लगाया गया है, जहां पर तमाम जो किसान संगठन यहां पर पहुंचे हैं वो लगातार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको बठिंडा हाईवे की दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा अग्निशम आपातकाल सेवाएं भी यहां पर रोकी गई हैं ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हो उसको रहते समय में कंट्रोल किया जा सके और लगातार ट्रक से यहां पर रास्ता रोक कर हाईवे को पूर्ण तरीके से सीज किया गया है। और जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ कि सुबह 6 बजे से किसान यहाँ पर जमा हुए थे और 4:30 बजे तक इस पूरे हाईवे को जाम रखा जाएगा और लगभग आज डबवाली के, चाहे आप चौटाला की बात करें, अबूब शहर की बात करें, खुया मलकाना की बात करें, गोरीवाला की बात करें, तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर आज जाम लगाया गया है। इसके अलावा सिरसा में पूरे ऐसे 31 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं जिनमें आज जाम लगाया गया है और वो 31 पॉइंट कौन कौन से आपको वो भी हम बताते हैं, क्योंकि इस बार का जो सबसे बड़ा एक व्यापक असर जो इस आंदोलन का देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसानों की तरफ से पहले से ही ऐलान किया जा चुका था, चाहे आप खुया मलकाना से शुरू करते हैं, भाबदिन टोल प्लाजा, बठिंडा चौक, डबवाली, पंजवाना राष्ट्रीय राजमार्ग, गांव ओडा बस अड्डा, डिंग मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, अबूब शहर, नहर के पुल के पास, गाँव चौटाला में, गाँव ओटू में, सिरसा किरानिया रोड, पंचमुखी चौक, एलनाबाद, ओटू हेड, सिरसा, सिरसा रोड पर, एलनाबाद के उधम सिंह चौक पर, जीवनगर टिब्बी रोड पर, एलनाबाद के अम्बेडकर चौक पर, सिरसा रोड के पर, एलनाबाद के ममेरा चौक पर, एलनाबाद के तलवाड़ा रोड टी पॉइंट पर, जीवनगर रोड पर, जीवनगर रोड चौक पर, डुडियावाली बस अड्डा पर, नकोड़ा बस, जीवनगर रानिया रोड पर, शहर रानिया में मेहता पेट्रोल पंप के सामने, मंगाला में एलनाबाद, सिरसा रोड पर, गांव मलेका में अनाज मंडी के पास और पनिहारी सिरसा से सरदूलगढ़ रोड और गांव गोरीवाला से अम्बेडकर चौक पर, शहर सिरसा में भगत सिंह स्टेडियम बरनाड़ा रोड, नासूरी चोपटा में चौधरी देवीलाल चौक पर, जमाल से सिरसा नोहर रोड पर, गाँव कागदना से बस अड्डा सिरसा पर भादरा रोड, गाँव नेजिया बस अड्डा सिरसा के भादरा रोड, गाँव रोडी पुलिस नाका सरदुल्ले वाला रोड पर, कालावाली में ओढ़ा कैंचियां, कालावाली लोकल रोड और गांव खारिया बस अड्डा सिरसा से खारिया लोकल रोड, गांव डिंग मंडी में अनाज मंडी रिंग रोड से डिंग रोड लोकल रोड बंद आज किए गए हैं। तो ये ऐसे 31 पॉइंट है जो आज पूर्ण तरीके से किसानों की तरफ से बंद किए गए हैं। हम आपको किसानों से भी बातचीत करवाएंगे, मिलवाएंगे तमाम किसान संगठनों की तरफ से आज क्या मुख्य ऐलान किया गया है और लगातार जो किसान है सुबह से यहां पर डटे हैं और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, चूंकि आज 10 महीने किसानों के पूरे हुए हैं और आज एक साल का वक्त उस दिनांक को पूरा हुआ है जब देश के राष्ट्रपति की तरफ से इन कानूनों को मंजूरी दी गई थी, वो भी आज का दिन था। तो आज एक साल पूरा और दिल्ली में जो पड़ाव किसानों की तरफ से डाला गया है
उसको आज 10 महीनों का वक्त पूरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर डबवाली के अंदर भी आज ट्राई सिटी गोल चौक पर एक बड़े स्तर पर चारों तरफ किसानों ने डेरा डाला है, क्योंकि ये ट्राई सिटी पंजाब राजस्थान हरियाणा का एक संगम है गोल चौक, और इसके चारों ओर किसान आज जमा हुए हैं और पूर्ण तरीके से यहाँ पर बंद किया गया है। कैमरामैन डबवाली से हेमबिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। डबवाली में लगातार सुबह 6 बजे से किसान यहां पर डटे और भारत बंद का एक कामयाब कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। मेरे साथ हरियाणा किसान एकता की ओर से किसान नेता गुरप्रेम सिंह जी हैं। गुरप्रेम सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं सुबह से लेकर अब तक का कार्यक्रम, आप कितना सक्सेस मानते हैं? देखो जी, अज संयुक्त मोर्चे की कॉल सी, बड़ा चंगे तरीके सुबह 6 बजे तो लोग बड़ी गिनती दे विच पहुंच रहे हैं। आ तुसी कट्ठ वेखो, ठाठा मारदा सारे संगठनों का, सारे किसान भरावां का कट्ठ है। सरकार कहती सी कट घट गया, पर आ थोड़े सामने आ कट्ठ, असी सरकार दे नक च दम कर रखे। तो एक असी होर अपील करनी चाहते हैं कि साढ़े किसानों पर जी बड़ी मार पई है सुंडी के कारण, तो मीह के कारण, वो मुआवजे वास्ते असी परसों 29 तरीक न एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर जा रहे हैं SDM दफ्तर डबवाली। वो वास्ते अज इतों अपील करनी है, बड़ी गिणती दे विच किसान उत्थे भी पहुँचणगे। उन्नी देर तक असी सारा ठप्प रखा है प्रोग्राम इहदा कोर्ट का ते SDM दफ्तर का, क्योंकि जिन्नी देर तक सानू मुआवजा नहीं घोषित करती सरकार, अज किसान बिल्कुल मौत दे कगार ते होया खड़ा है। तो किसान की फसल सारी मर चुकी है, तकरीबन नरमा खत्म हो चुका है, सारी नरमे की बैल्ट है डबवाली एरिए, सरसे एरिए, सरसे एरिए सारे च थां थां ते धरने लग रहे हैं। SDM हाउस से कालिया वाली भी, तो फतेहाबाद भी, डबवाली भी, डबवाली सी परसों वड्डा धरना ला देर तक सा। सारा कारोबार ठप रखांगे। तो अज जिहड़ा भारत बंद का सफल तुसी देख रहे हो, बड़े चंगे तरीके नाल होया, तो असी अनुशासन दे विच रह के करते हैं। हुण इत्थों एक रोस मार्च रैली शहर दे विच कढ़ के वापस आ के असी इत्थे फिर बैठना है, तो शाम 4 बजे तक वधिया चंगे तरीके नाल निभावांगे। थोड़ा असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है 10 महीने पूरे बीत गए आज आपको, लेकिन सरकार कैसे मसनी हो रही है, क्या लगता है आपकी तरफ से आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि लग रहा था कि सरकार अब मान जाएगी? देखो जी, सरकार बिचों खोखली हुई पई है, उत्तों उत्तों सरकार जरूर फड़ा मारती, असी नहीं मानते, पर बिचों खत्म हुई पई है सरकार। सानू भी पता है सरकार ने बड़ियां बाहां ला लिया 26 तरीक नूं सानू बदनाम करन दी कोशिश, उदू बाद सानू अतवादी बखवादी, साडे ते उत्थे तंबूआं ते अग्गां भी लाईआं गईआं इन्हां ने बंदे भेज के, पर साडे किसान हजे झुके नहीं, साडे किसान पहलां नालों वध जा रहे आ दिल्ली दे विच। ते असी हुण भी यही अपील करदे आ किसानां नूं कि आपां दिल्ली दे बार्डरां ते वध तों वध कट्ठ लेके जाना, ते वह वाडरां नूं जिवें पहला गिनती से उदों गिनती वधा के दिखावांगे। ते पिंडां दे विच बड़ा जज्बा है, लोकां च हौसला है, असी जरूर जंग जित के घरां नूं मुड़ांगे। सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि जितनी भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं तौर पे जो हमारे जो किसान है उन्हें प्रभावित कर रही है, क्या कारण है? देखो जी, सरकार की एको ही नीति है, सरकार की नीति यह है कि कारपोरेट घराणा के हाथ में यह जिहड़ा रोटी वाला सिस्टम है, अनाज है, कारपोरेट घराणा के हाथ विच दिता जाए, उदू बाद असी आपकी मर्जी नाल यह अनाज है जिहड़ा एक स्टोर के बंद करके फिर असी आपके हिसाब नाल रेट नाल बेचांगे। जिवें उदाहरण के तौर पर तुसी ला लो ऐतकी सरों के तेल ते ला लो, तुसी सरों का तेल डबल रेट च हो गया, जे कणक कारपोरेट घराणा के हाथ चली गई तो उदू बाद गरीब वास्ते, किसान वास्ते, मजदूर वास्ते, दुकानदार वास्ते रोटी का बहुत मुश्किल हो जाना है। अज असी अपील करते हैं सारे किसान भरा दुकानदार वीरां नूं, मजदूर वीरां नूं कि अज साडे नाल खड़न, आपां रल मिल के यह जंग जित सकते हैं। जे यह अंदोलन असी हरदे हैं किसी कारण करके तो आने वाली पीढ़ियां वास्ते रोटी का बहुत मुश्किल हो जाना है। सर, आज आपको कितनी उम्मीद थी इकट्ठ होने की, लगता आपकी उम्मीद से ज़्यादा हो गया आज? हाँ, अज सानू
साड़ी उम्मीद सी घट्टो घट भी 100-150 बंदा आएगा, पर अज सानू लोकां ने यह दिखाता कि असी थोड़े नाल खड़े हैं, तुसी अगवाई करो, असी थोड़े पिछे जान देने नू तैयार हाँ। असी लोगों विश्वास दवाने हैं कि तुसी साडा पक्ष पूरदे हो, असी थोड़ी खातर अगे होके लड़ांगे। उहदे लई सानू भावें जेलां जाना पवे, चाहे साडे ते परचे पैण, सानू यह भी पता भी अज भी साडे ते परचे होने हैं हाईवे रोकण दे, इत्थे बैठण दे, पर परचां तों नहीं डरदे। जो साडे नाल संगत खड़ी है सारी, असी जच के पहरा देवांगे। सर अभी बाजार में पूरे बंदा लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, व्यापारी आपके साथ हैं, सारे बाजारों में सलाम। साडी व्यापार संगठन ना, आढ़ती एसोसिएशन ना, मीना बाजार जिहड़ा प्रधान आ उन्हां नाल गलबात सारी हुई सी, वो कहिंदे भी पूरा समर्थन देवांगे। उन्होंने अज समर्थन दिता भी, तो सानू बहुत वड्डा विश्वास है, असी उन्हां दे विश्वास से खरे उतरांगे। जिथे कदे उन्हां ते भीड़ पैंदी है, उन्हां दे भी असी नाल खड़ा। सर भारत बंद के लिए आपने आह्वान किया, सब ने आपका समर्थन किया, लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए कौन सी दुकानों को आपने चाहा कि वो खुली रहे? एक तो मेडिकल जी, मेन मेडिकल हॉस्पिटल, और तो कोई जिहड़ी करियाने वाली दुकान है वगैरह, वो जिहड़ा लोगों ने कोई लैना सी राशन पानी, वो कल ही ले लिया। कल असी अपील करती सी कि अज ले लो, कल नूं दुकानदारां ने आप ही समर्थन देता कि असी बंद रखांगे, असी कल नूं दुकान नहीं खोलनी, ते अज सारयां ने दुकानां बंद भी रखियां। असी सारे दुकानदार भरावां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां कि सानूं समर्थन दिता, उन्हां नूं जिहदे लोड़ पऊ असी समर्थन देवांगे। धन्नवाद जी। सर अज का कार्यक्रम कैसे देखते हैं, कितना कामयाब हुआ है और कैसे देखते हैं आगे की रणनीति क्या रहेगी? अज दा जो किसान अंदोलन दी सब तों वड्डी अज दी कॉल 27 मार्च 10 महीने पूरे होने पर दी गई सी, उस काल का भारत के बच्चे बच्चे ने समर्थन किया। अज बच्चा बच्चा रोड़ा मोड़ा के उत्ते है, लोगों ने अपने आप समर्थन दे के दुकाना अपने कारोबार बंद रखे है, क्योंकि अज सारी जनता नू, अज सारे लोगों नू ये समझ आ चुकी है, ये 3 काले कानून कल्ले किसानां दे खिलाफ़ नहीं, भारत के हर नागरिक के खिलाफ है। हर नसल ते फसल खत्म करने की सोच है मोदी की, ये सिर्फ पूंजीवाद वास्ते बनाए गए है। इस वास्ते अज बच्चे बच्चे ने समर्थन दिता है, हर दुकानदार रेहड़ी फड़ी वाले ने इहदा समर्थन दिता है, तो फुल ऑल इंडिया दे कामयाब होकर अज शाम तक दोपहर तक तुहानू खबर आ जाणगियां। फॉरन दे विच भी बहुत जगह पर प्रोग्राम होए। ठीक है सर, अभी 10 महीने आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति तो बनाता है 40 मेंबरी जो कमेटी हमारी है, वो किसान मोर्चा जो रणनीति बनाएगी उस पर सारी जनता, आज पता लगता है सारी जनता भारत की बच्चा बच्चा उस पर फूल चढ़ाएगा। कोई भी हुक्म कर दे वहाँ तक, जो भी हुक्म करेगा वहाँ तक लोग उस हुक्म को पूरा करेंगे। जनता अब किसानों के नहीं, उस अपने नस्ल और फसल बचाने के हक के लिए उनके साथ है, अपने हक बचाने के लिए जनता लड़ रही है। जनता को समझ आ चुकी है, सरकार को अभी तक समझ नहीं आई, सरकार समझे फटाफट अपने 3 काले कानून वापस ले ले, अच्छी रहेगी, वरना सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलने वाला है। कैसा लगता है आप यहाँ पहुँचे हो, कितना कामयाब लगता है कार्यक्रम आज का? भाई देखो यहाँ पे जो किसान मोर्चा चल रहा है, मैं तो मोदी को एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने एक शायरी भी तैयार की है, सुनोगे? वे मोदिया वे मोदिया, किते वहम ना पाल ली कि असी मुड़ जाएंगे इतों बिना काले कानून रद्द कराए। तेनू की है भी तू दो डंडे मारेगा तो असी भज जाएंगे, जो तिकर तू तीनों काले कानून नहीं रद्द करता असी उदों तिकर वापस नहीं जाते। किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जानना चाहते हो जहाँ भी प्रदर्शन होता है? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम डबली से। आज आज भारत बंद है, आपको पता है, लगता है कामयाब है पूरा कार्यक्रम? हाँ जी पूरा कामयाब है जी। हम गए थे सभी डबली में घूम के आए हैं, वहाँ पे सारा बंद है, लोगों ने पूरा हमें समर्थन दिया है। तो क्या अपील करना चाहोगे मोदी सरकार से, 10 महीने पूरे हो गए, बात तो सुनी नहीं? बस मोदी को मैं यही कहना चाहता हूँ, इज्जत उसको देनी जाती है, अब उसको बस यही कहना चाहते, जब तक तू काले कानून नहीं रद्द करता तो हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले।